नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बिजनेस आइडिया में। हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा दीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यहाँ पे बात करने वाले हैं मेटा अजोन को, यानी कि अजोन चेन कॉइन के बारे में। दोस्तों बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मेटा अजोन कॉइन यहाँ पे स्कैम करेगा या चलेगा या नहीं चलेगा, क्या इसका भी वही हाल होगा जो दोस्तों यहाँ पे STA टोकन का हुआ या फिर दोस्तों येस वर्ल्ड का हुआ। तो आज हम दोस्तों यहाँ पे सभी टॉपिक इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं कि इसका प्राइस यहाँ पर क्यों कम हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर इसका जो डिपॉजिट है वो क्यों बंद हो जाता है, यहाँ पे लोग ट्रेड क्यों नहीं कर पाते, टोकन सेल क्यों नहीं हो पाते, ये सभी चीजें आज हम इस वीडियो में यहां पर क्लियर करने वाले हैं। यदि दोस्तों आप भी मेटा जोन के अंदर यहां पर काम करते हैं, आपने टोकन परचेज कर रखे हैं, तो आज आपको मैं सारी जानकारी यहां पर देने वाला हूं। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, ये पूछते हैं कि सर आप इसको प्रमोट कर रहे हैं, क्या आप भी इस पर काम करते हैं? तो मैं आपको सभी चीजें यहां पर क्लियर करने वाला हूं। मैंने पहले भी वीडियो दोस्तों यहां पर एक्सप्लेन किया था किस तरह से इसका प्लान वर्क करता है, मैंने सारी जानकारी यहां पर दी थी। सो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम यहां पर मिलती रहे। जी हां दोस्तों, चलिए मैं आपको ले चलता हूं अपनी यहां पर लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, और हम यहां पर समझेंगे कि इसका प्राइस यहां पर क्यों गिर रहा है और यहां पर दोस्तों इसका डिपॉजिट क्यों होल्ड कर दिया जाता है, इसकी लिक्विडिटी यहां पर क्या है और यहां पर क्या इसका दोस्तों यहां पर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो हम यहां पर देखने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे मेटा अजोन की वेबसाइट पे हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि इस टाइम मार्केट के अंदर जो मेटा अजोन कॉइन है दोस्तों, यहाँ पर अजोन कॉइन है वो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। दोस्तों अगर हम बात करें वो CMC के ऊपर लिस्टेड है, एल बैंक के ऊपर दोस्तों यहाँ पर लिस्टेड है, साथ में बिटमार्ट के ऊपर भी दोस्तों यहाँ पर लिस्टेड है। अगर हम बात करें इसका प्राइस अभी पिछले कुछ दिनों में दोस्तों यहाँ पे 20 मार्च के अगर पास हम देखें तो इसका जो प्राइस था वो लगभग यहाँ पे 58 डॉलर के आसपास यहां पे आ चुका था। काफी लोग पैनिक हो चुके थे, लोग सोच रहे थे कि यहां पर ये बिल्कुल अब प्राइस इसका डंप हो जाएगा और लोगों ने पैनिक माहौल में ही कॉइन को सेल करना स्टार्ट कर दिया और वो बोले थे कि हमारे कॉइन सेल नहीं हो रहा, कोई भी यहाँ पे कॉइन बाय नहीं कर रहा। और मुझे भी लोग कॉल करके बोल रहे थे कि सर यहाँ पर देखा जाए इसका प्राइस गिर रहा है, करें या ना करें। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैंने पहले भी आपको वीडियो में क्लियर किया था, मैंने जस्ट प्लान का रिव्यू किया था किस तरह से मेटा अजोन काम करता है और क्या इसका प्लान है। मैंने किसी को भी दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्ट करने की एडवाइस नहीं दी थी कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें दोस्तों, वो आपका अपना डिसीजन रहता है। आज की अगर हम करंट डेट की बात करें, आज की बात करें लाइव प्राइस की, तो $85 यहां पे चल रहा है। अब दोस्तों यहां पे जिन्होंने 47 या 50 55 डॉलर पे दोस्तों यहां पे बाय किया होगा, अब $85 यहाँ पर रेट चल रहा है तो उनको प्रॉफिट हुआ होगा। बहुत सारे लोगों ने दोस्तों यहाँ पे $110 पे भी बाइंग करके होल्ड किया है और उसके बाद यहाँ पे उनका यहाँ पे रेट नीचे आया है, लोगों ने स्टेकिंग करके यहाँ पे माइनिंग करके पैसा बनाया। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये एक फार्मिंग कंसेप्ट है, यानी कि अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे कॉइन माइन होते हैं, माइन हो रहे हैं, सारा का सारा जो खेल है वो दोस्तों यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर यहाँ पे वर्क करता है। अगर मैं बात करूं डिमांड एंड सप्लाई, दोस्तों यहां पर आपको एग्जांपल दे देता हूं। अभी हम ऐसा मुद्दा ले लेते हैं जो इंडिया में दोस्तों आपको पता है हर साल ट्रेंडिंग में रहता है, यानी कि हम टमाटर को ले लेते हैं या फिर प्याज को ले लेते हैं, ऑनियन। दोस्तों अगर देखा जाए दोस्तों डिमांड एंड सप्लाई किस तरह से वर्क करता है, ये मेटा जोन के अंदर नहीं है, चाहे कोई भी कॉइन हो उसके अंदर भी दोस्तों यहाँ पर ये वर्क करता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें, टमाटर है मार्केट में, उसकी शॉर्टेज हो जाए दोस्तों, अगर जो बड़े बड़े दोस्तों यहाँ पर जो उद्योगपति हैं दोस्तों, जो होल्ड कर लेते हैं चीज़ों को दोस्तों, यानी कि स्टॉक कर लेते हैं अपने पास, उसको रोक लेते हैं, तो मार्केट में क्या हो जाता है, उसका प्राइस बढ़ जाता है। अब टमाटर है दोस्तों या प्याज ले लीजिए, जब बड़े बड़े सेलर्स फार्म के अंदर दोस्तों उसको स्टॉक कर लिया जाता है, मार्केट में उसकी दोस्तों यहाँ पर सप्लाई ही ना रहे तो उसका प्राइस यहाँ पर बढ़ जाता है। टमाटर जो कि 10-20 रुपए केजी हमें यहाँ पे मिलता है और जब उस मार्केट में नहीं होता तो वही टमाटर 300 रुपए किलो तक हमने यहाँ पे खरीदा हुआ है और वही प्याज 200 रुपए 250 रुपए तक हमें लिया हुआ है, और जब मार्केट में उसको पूरा खुल के यहाँ पे उसकी सेल होती है, जब वो उसकी ज़्यादा देखा जाए तो सप्लाई ज़्यादा है तो जो उसका प्राइस है वो वही रहता है, 10 रुपए किलो 20 रुपए केजी तक यहाँ पे रहता है। इसी तरह कॉइन के अंदर है दोस्तों, यहाँ पे कॉइन्स की अगर हम बात करें, जितनी ज़्यादा कॉइन की बाइंग होगी उतना
ज़्यादा इसका रेट यहाँ पे अप होगा दोस्तों, जितनी ज़्यादा सेल यहाँ पे लोग करेंगे इसका प्राइस यहाँ पे डंप होगा। अब यहाँ पे जो डिपॉजिट वाला है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे सेल वाला यहाँ पे बंद कर देते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारा सेल नहीं हो रहा, दोस्तों कुछ टाइम के लिए यहाँ पे कॉइन का जो है सेल वो होल्ड कर देते हैं, ताकि क्यों, क्योंकि जो बड़े बड़े अगर हम बात करें ऐसे कुछ बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, बड़ी बड़ी व्हेल मछलियाँ होती हैं जो छोटी छोटी मछलियों को यहाँ पे खा जाते हैं, यानी कि मैं बड़े बड़े इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपये तक यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता है। अब कुछ लोग आते हैं जो कि $100, $500, $1,000, $2,000 इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, फर्क होता है कि किसी ने $50,000 इन्वेस्ट किया, किसी ने $5,000 इन्वेस्ट किया है। अब दोस्तों $50,000 वाला जब वहां पे उसको सेल करेगा, उसका जो भी प्राइस होगा तो वो दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पे नीचे गिरेगा, एकदम से वो कॉइन सेल करना स्टार्ट करेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे कुछ टाइम के लिए होल्ड कर दिया जाता है, ताकि जो सेलिंग है वो होल्ड रहेगा, प्रेशर कम रहेगा और बाइंग वाला बढ़ेगा। अब बाइंग दोस्तों जब बढ़ेगी तो प्राइस उसका अप जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो $85 चल रहा है अभी। यहाँ पे मैंने 7 डेज का मैं अगर चार्ट यहाँ पे ओपन कर रखा है, मैंने आप देख सकते हैं कि इसका आप देख सकते हैं प्राइस है 25 तारीख को, यहाँ पे 2024 को इसका $67 प्राइस था, फिर यहाँ पे 67 था, धीरे धीरे दोस्तों यहाँ पर ये इंक्रीज हुआ, यानी कि इसका जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे बढ़ता गया, वॉल्यूम बढ़ता गया तो यहाँ पर दोस्तों जो प्राइस को बढ़ाने के लिए कुछ टाइम के लिए होल्ड कर दिया जाता है, ना कि ये कि अब ये सेल ही नहीं होगा। अगर ये यहाँ पे इसकी ट्रेडिंग लाइव है दोस्तों यहाँ पे एल बैंक बिट मार्ट के ऊपर, तो दोस्तों ये सेल डेफिनेटली यहाँ पर होगा, तो आप उसे कभी भी यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अब $85 यहाँ पे इसका रेट यहाँ पे चल रहा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कुछ टाइम जो सेलर से उनको होल्ड किया गया, बाइंग इसकी बढ़ी, बाइंग बढ़ने पे दोस्तों यहाँ पर इसका प्राइस अप गया। अब कुछ लोग बोलते हैं मैनिपुलेशन करते हैं, इनके हाथ में है, ये जब चाहे रोक लेते हैं, जब चाहे सेल कर लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि प्राइस देख सकते हैं $85 है, यानी कि अगर देखा जाए तो ये प्राइस को अप करने के लिए यहाँ पे किया जाता है, ताकि इसके जो बायर हैं वो बढ़ें, और बढ़ने के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर लोगों को प्रॉफिट भी हो दोस्तों, ये इसीलिए यहाँ पर किया जाता है। आप अजोन स्कैन जो डॉट है इसकी दोस्तों यहाँ पर अजोन स्कैन को ओपन करके देखते हैं, इसका जो प्राइस है वो आपको दिख जाएगा, करंट ब्लॉक्स कितने हैं दोस्तों वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, सारी इनिशियल सप्लाई $50,000 है दोस्तों वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी, और ये माइनेबल कॉइन है, फार्मिंग कॉइन है, सो इसके अंदर दोस्तों ये सब कुछ देखने को मिलता रहेगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अब जिन लोगों ने स्टेकिंग किया है, जो लोग माइन कर रहे हैं, स्टेक करने के बाद लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जिनको 1 साल हो गया, 6 महीने हो गया, जिनको प्रॉफिट हो रहा है, उनके पास बहुत सारे अजोन कॉइन हो जाते हैं। तो दोस्तों जब लोग अपनी स्टेकिंग को तोड़ते हैं, स्टेकिंग रिलीज करते हैं, तो दोस्तों वो सेल करने जाते हैं, एकदम से सेल से भागते हैं। दोस्तों अब एक ही मंथ जब ये सिस्टम लॉन्च हुआ, ठीक है, उस टाइम 1 लाख से ज्यादा बायर्स ने यहां पे बाय कर लिया। अब क्या होता है, बाय करने के बाद दोस्तों वो उनका 1 साल हो गया, 1 साल के बाद वो सभी एक साथ ही उसमें से 50% भी आप मान के चलो कि वो स्टेकिंग अपनी रिलीज कर रहे हैं, तो एकदम से अगर वो रिलीज करेंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, उसका प्रभाव देखने को मिलता है, चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे इथेरियम हो। दोस्तों अब क्या है, बुल रैली चल रही है, बुल रैली के अंदर आपको बिटकॉइन $70,000 के ऊपर दिख रहा है। अब देखा जाए तो जैसे ब्लैक रॉक है, वो सारे के सारे यहाँ पे बिटकॉइन्स बाय कर रहा है, बहुत बड़े बड़े दोस्तों यहाँ पर कंपनीज है जो बिटकॉइन को होल्ड करके बैठी हैं लो प्राइस के अंदर। अब यहाँ पे जब भी $75,000 या $80,000 जाएगा तो उन्होंने उसको सेल कर देना है, सेल करते ही जो बिटकॉइन का प्राइस है वो एकदम से डंप होगा, $40,000 $35,000 के ऊपर यहाँ पे आके रुक जाएगा एकदम से। अब जिन्होंने $80,000 $75,000 पे लिया वो तो दोस्तों यहाँ पे फंस गए, यानी कि क्या होता है कि बड़े बड़े जो मछलियां हैं वो छोटी छोटी मछलियों को यहां पे निगल जाते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर, छोटे छोटे इन्वेस्टर का पैसा यहां पे डूब जाता है, यानी कि वो पहले इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं, जो बाद में आते हैं वो यहाँ पे दोस्तों लॉस में हो जाते हैं। ये सिस्टम दोस्तों यहाँ पे मार्केट के अंदर इस तरह से मैनिपुलेशन देखने को मिलता है, चाहे क्रिप्टो में कोई भी कॉइन हो दोस्तों, ये सारा का सारा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर यहाँ पे वर्क करता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एल बैंक, आप देख सकते हैं एल बैंक के ऊपर अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें 24 घंटे के अंदर $1,92,455 का हुआ है, 45% तक हाई यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। और बिटमार्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे $2,32,064 का दोस्तों यहाँ पर आप यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा इसका डाटा है दोस्तों। हाईएस्ट आप यहाँ पे देखते हैं 88 अभी यहाँ पर गया है दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करें 24 आवर्स में $88 तक ये जाके यहाँ पर आया है, और अगर लोएस्ट की बात करें तो ये $58 तक यहाँ पे 18 मार्च को गया था, 10 डेज यहाँ पर हो चुके हैं, लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। बाकी दोस्तों हम किसी को भी मैं फोर्स नहीं करता कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें, आप अपनी पूरी स्टडी करें, पूरी यहाँ पर दोस्तों इसको चेक करें, आप इसको वॉच करें, चाहे 1 महीना वॉच करो, 2 महीना वॉच करो, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम किसी को भी दोस्तों यहाँ पे मैंने फोर्स नहीं किया इन्वेस्ट करने के लिए, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो या कॉइन को परचेज करो, मैंने जस्ट आपको यहाँ पे इसके बारे में बताया था कि किस तरह से इसका यहाँ पर ये
फार्मिंग जो है ये वर्क करता है दोस्तों। सो ये रीज़न से हैं यहाँ पर दोस्तों प्राइस गिरने के, प्राइस को होल्ड करने के दोस्तों। और यहाँ पर क्यों प्राइस गिरता है, क्यों उसको होल्ड करता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर स्टूडियो में क्लियर कर दी हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में दोस्तों यहाँ पर पूछ सकते हैं, उसका मैं डेफिनेटली यहाँ पर दोस्तों रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मेटाजोन कोइन के अंदर लोग काम कर रहे हैं उन सभी को यहाँ पर दोस्तों फॉरवर्ड कर दीजिए। सो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।